हेलो एवरीवन, मैं दीपक यादव, जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपके अपने चैनल शिक्षा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रजिस्टर को किस किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। ये टॉपिक डिप्लोमा कोर्स के माइनिंग ब्रांच के फोर्थ सेमेस्टर के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रजिस्टर्स कैन बी ज्वाइंट टू ईच अदर बाई टू वेज। कितने तरीके से रजिस्टर्स को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं? दो तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं। इफ डिफरेंट रजिस्टर्स आर ज्वाइंट विद ईच अदर सच दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ सच रजिस्टर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कितना पाथ मिलेगा करेंट को? ओनली वन पाथ। ठीक है, हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अगर हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, ठीक है, हमारे पास तीन रजिस्टर है R1, R2 और R3। तीनों को इस तरीके से कंबाइन करेंगे, तीनों को इस तरीके से कंबाइन करेंगे कि सर्किट में करेंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ मिले। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ कितना पाथ मिला है? एक ही पाथ मिला है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस का लास्ट पॉइंट सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करेंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। हमेशा याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंट क्या होता है? सभी रजिस्टर में सेम होता है। ठीक है, चाहे वो उस रजिस्टर का वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो जितने भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे उनके थ्रू क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंट फ्लो होगा, मतलब उन सभी के थ्रू क्या होगा? सेम करेंट ही फ्लो होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर। ठीक है, और सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर हैं उनमें क्या होगा? वोल्टेज अलग अलग होगा। मान के चलते हैं इसमें R1 में वोल्टेज V1 है। ठीक है, R1 में वोल्टेज V1 है, R2 में वोल्टेज V2 है और R3 में वोल्टेज V3 है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग वोल्टेज होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में I जो होगा सेम होगा और V क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, और डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रजिस्टर के वैल्यू के ऊपर। अगर तीनों रजिस्टर का वैल्यू सेम है, R, R और R है, ठीक है, तो क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा। लेकिन अगर तीनों रजिस्टर का वैल्यू अलग अलग है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहे, इस सर्किट में दिख रहे हैं R1, R2 और R3, तो यहाँ पर वोल्टेज भी क्या होगा? V1, V2 और V3 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर क्या है, रजिस्टर R1 है, रजिस्टेंस क्या है? R1 है, और यहाँ पर करेंट फ्लो क्या हो रहा है? I हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू लिखेंगे V1 इज इक्वल्स टू वो, तो वो क्या होगा? I इंटू R1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू R1। वैसे ही अगर हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2। और अगर वैसे ही हम लोग R3 में देखेंगे तो अगर यहाँ वोल्टेज का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा V3 इज इक्वल्स टू I इंटू R3। क्या हो जाएगा? V3 इज इक्वल्स टू I इंटू R3। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है? V1। यहाँ पर वोल्टेज कितना है? V2। और यहाँ पर वोल्टेज कितना है? V3 है। ठीक है, अब अगर हम लोग इन तीनों रजिस्टर को सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रजिस्टर में चेंज कर लेते हैं तो कुछ डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स रहेगा, एक बैटरी रहेगी, इसमें करेंट क्या फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है, और इन तीनों रेजिस्टेंस के जगह हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दिया है और जिसका वैल्यू रख दिए हैं RE। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस सर्किट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है, यही वोल्टेज तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। किस में डिवाइड हुआ है? V1 में हुआ है, V2 में हुआ है और V3 में हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये V1 प्लस V2 प्लस V3 सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा?
वी आएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वी वन प्लस वी टू प्लस थ्री। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट में अगर देखेंगे तो अगर यहाँ ओम्स लॉ देखते हैं तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई इंटू, और R का वैल्यू क्या है यहाँ पर, R इक्विवेलेंट R आर ई। तो यहाँ V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई इंटू आर ए। तो टोटल वोल्टेज की जगह पे क्या लिखेंगे, आई इंटू आर ई। वी वन के जगह पे उसका वैल्यू रखेंगे I इंटू आर वन, वी टू के जगह पे I इंटू आर टू, और वी थ्री के जगह पे I इंटू आर थ्री, ठीक है। सब वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर I इंटू आर ही लिखें। यहाँ से सभी से अगर पिछले पेज में देखें, पिछले इक्वेशन में देखते हैं तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी I था, यहाँ पर भी आई था, और यहाँ पर भी आई है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई तीनों से कॉमन ले लेंगे, तीनों से आई कॉमन ले लिए, ठीक है, तीनों से क्या कर दिए, आई कॉमन ले लिए, आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आर ई इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ चुका है टेंथ क्लास में, आर ई इज इक्वल्स टू कितना होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। इसको डेराइव कैसे करेंगे, तो इस तरीके से इसको डेराइव करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले वी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री करेंगे, वैल्यू रख देंगे, आई कॉमन निकाल देंगे, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल इक्वेशन बचेगा आर इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। ये तो तीन रजिस्टर्स के लिए होगा। अगर मान के चलो नंबर ऑफ रजिस्टर क्या है, एन है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn तक, या कहाँ तक चले जाएगा, Rn तक चले जाएगा, ठीक है। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इफ देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करेंट, देयर आर मोर देन वन पाथ, मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करेंट इन अ सर्किट, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या होंगे, मोर देन वन पाथ होंगे करेंट के फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं, यहाँ एक पॉइंट था। अब तीनों तीन रजिस्टर हैं हमारे पास, उसको कुछ इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर दिए। तो देखो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स से करेंट निकल रहा है आई, ये आई इस पॉइंट पर पहुँचेगा तो इसके पास कितने पाथ है, थ्री पाथ है, जितने रजिस्टेंस हैं, जितने रजिस्टर्स हैं हमारे पास उतने पाथ हैं, ठीक है। तो मोर देन वन पाथ है, तो ये कॉम्बिनेशन किस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और देखते हैं आगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंट थ्रू इच रजिस्टर इज डिफरेंट, उसमें डिफरेंट क्या था, वोल्टेज डिफरेंट था, इसमें क्या होगा, करेंट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इच रजिस्टर में, हर एक रजिस्टर में क्या होगा, करेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट और वोल्टेज अक्रॉस इस रजिस्टर इज सेम, इसमें क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दोनों अपोजिट है, इसमें वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, करेंट सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करेंट डिफरेंट रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, डायग्राम में देखते हैं वोल्टेज सोर्स है, इससे करंट आई निकल रहा है, इस पॉइंट पर जाएगा तो इसके पास तीन रास्ते हैं, ठीक है। तो ये करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा तीनों रजिस्टर्स में, इसमें आई वन फ्लो होगा, इसमें आई वन फ्लो, पहले वाले में आई वन फ्लो होगा, आर टू में आई टू फ्लो होगा, और आर थ्री में आई थ्री फ्लो होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे। ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ से अगर मैं I का वैल्यू निकालूँ तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V बाई आर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं I1 का वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाई आर वन। V कैसे आया, तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ टोटल वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है, V फ्लो हो रहा है, मतलब इस टर्मिनल का वोल्टेज V एज्यूम करते हैं और इस टर्मिनल का वोल्टेज जीरो एज्यूम करते हैं, ठीक है। यहाँ इस टर्मिनल का वोल्टेज V एज्यूम करते हैं, इस टर्मिनल का वोल्टेज जीरो एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज अगर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, V माइनस जीरो इज इक्वल्स टू V, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने V और जीरो एज्यूम किया। अब देखो इस पॉइंट, ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना है, V है। और ये पॉइंट कहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है, इसका जीरो है,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आर वन का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, वी माइनस जीरो वी, क्योंकि इसका भी ये पॉइंट सेम है, ये वाला पॉइंट भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, वोल्टेज वी आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आई वन इज इक्वल्स टू कितना होगा, वी बाई आर वन, ठीक है। उसी तरीके से पॉइंट सेम है तो आई टू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर टू, और वैसे ही आई थ्री इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर थ्री, ठीक है। मतलब आई वन इज इक्वल्स टू वी बाई आर वन, आई टू इज इक्वल्स टू वी बाई आर टू, और आई थ्री इज इक्वल्स टू वी बाई आर थ्री हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने टेंथ क्लास में पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई आर ई इज इक्वल्स टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करते हैं आगे जाके। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स रहेगा, और इन तीनों रजिस्टर्स को सॉल्व करके क्या कर दिए हैं हम लोग, एक इक्विवेलेंट रजिस्टर में चेंज कर दिए हैं आर ई में, और करेंट कैसा फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई आर ई, वी डिवाइडेड बाई आर ई, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगर हम लोग डायग्राम में देखें इस पॉइंट पर देखें तो क्या हो रहा है, आई करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करेंट आ रहा है, और ये करेंट कितने पार्ट में डिवाइड है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, आई वन आई टू और आई थ्री। मतलब अगर मैं आई वन आई टू और आई थ्री को अगर मैं सम करूं या इन सभी को क्या कर दूं, टोटल करूं, तो मुझे वापस आई मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आई जी को आई का कितना वैल्यू निकाले थे हम लोग, आई का वैल्यू निकाले थे वी डिवाइडेड बाई आर ई, ठीक है, और आई वन का क्या वैल्यू निकाले थे, वी डिवाइडेड बाई आर वन, आई टू का क्या वैल्यू निकाले थे, वी डिवाइडेड बाई आर टू, और आई थ्री का वैल्यू क्या निकाले थे, वी डिवाइडेड बाई आर थ्री। इन सभी वैल्यू को इस यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई आर ई, वी डिवाइडेड बाई आर वन, वी डिवाइडेड बाई आर टू और वी डिवाइडेड बाई आर थ्री, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वी कॉमन ले लेंगे, वी कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ पर वी था, ये वी और ये वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बचेगा, वन डिवाइडेड बाई आर ई इज इक्वल्स टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। हम लोगों ने आज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से दोनों फॉर्मूले देखे। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर ई का फॉर्मूला था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है, आर थ्री, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, वन बाई आर ई इज इक्वल्स टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, जितने भी सर्किट प्रॉब्लम्स है, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।